हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समझ महत्वपूर्ण सूचना लेकर के हाजिर हो गए। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 37 कॉलेजों में 851 पद भरेगा आयोग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 851 पदों में भर्ती शीघ्र ही करने जा रहा है। इसका अधियाचन आयोग को भेज दिया गया है। जी हाँ, इसका जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा विभाग की ओर से इन पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया गया है। दोस्तों, हम पूरी पूरी खबर जानेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कब वो शुरू होगा, इसकी जो है वैकेंसी किन किन पद के लिए है, तो पूरी पूरी खबर जानेंगे। लेकिन सर्वप्रथम चाहेंगे हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हुए हैं, निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकान के बटन को दबा लें, ताकि आने वाले तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएँ आप तक हम आसानी से पहुँचा सकें। तो ठीक है ना मित्रों? तो ठीक है मित्रों, बिना समय का नुकसान किए सीधे हम बढ़ रहे थे सूचना की तरफ। आखिरकार क्या है सूचना जो कि इलाहाबाद से हमें प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में है, 851 पद भरेगा आयोग, उसके संबंध में है। पूरी पूरी खबर जानेंगे दोस्तों, देख लेते हैं पूरी पूरी खबर। देख सकते हैं आप, जी हाँ, प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में केंद्र पूर्वनिधानित मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जी हाँ, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 13 जिलों में खोले गए 37 राजकीय इंटर कॉलेजों के विभिन्न 851 पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इन पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये अच्छी बात है कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो इन पदों पर अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज चुका है। ठीक है ना दोस्तों? तो इन देख सकते हैं कि इन 37 स्कूलों में पदों के सृजन का आदेश संयुक्त सचिव शासन, जी हाँ, संयुक्त सचिव शासन शत्रुंजय कुमार सिंह जी ने 18 अप्रैल को जारी किया था। प्रत्येक कॉलेज में प्रधानाचार्य के एक एक प्रवक्ता, जी हाँ, एक एक लेक्चरर, नौ नौ सहायक अध्यापक, असिस्टेंट टीचर जो है, और साथ साथ जो है वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायक तथा एक एक चतुर्थ श्रेणी या लैब वेयरर के चार चार पद है। ठीक है ना? तो इस प्रकार कुल 851 पदों पर भर्ती की जानी है दोस्तों। तो ये हमारे जो टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जी हाँ, जो कॉलेजों में अपना सेवा देना चाहते हैं, उनके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खुशखबरी वाला ये खबर है दोस्तों। तो ठीक है, और इसके संबंध में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंजू शर्मा जी ने क्या कहा, ये भी हम देख लेते हैं। मल्टी सेक्टोरल, जी हाँ, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निर्मित कराए गए राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। जी हाँ, माध्यमिक सचिव जो मंजू शर्मा जी ने, इनका भी यही कहना है कि सचिव जी का कहना है कि जो है अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। जल्द ही इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी होगा, अप्लीकेशन स्टार्ट होगा दोस्तों। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये। तो ठीक है दोस्तों, अगर UPPSC, जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हमें किसी भी प्रकार से हमें कोई भी जानकारी मिलती है इलाहाबाद से, तो आप तक हम पूरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।